बच्चा दावत खा के आया था, उसके पीछे कुछ लड़के बदमाश टाइप के बाइक पे आए और घर के पास आकर के उसको दो गोली मारी और चले गए। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं था, वो तो बच्चा 12th में पढ़ता था, वो सीधा बच्चा था, उसका तो कभी कहीं किसी से कोई विवाद नहीं। क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही थी? कोई रंजिश नहीं किसी से, हमारी कोई रंजिश नहीं, पूरे जट्टारी के अंदर कोई नहीं बता सकता हमारी रंजिश। जी दो बच्चे उठाए गए, पूछताछ चल रही है उनसे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। कौन था आपका? मेरा भतीजा है, मेरे छोटे भाई का बेटा है। क्या घटना हुई, क्या मामला था? घटना ये हुई थी कि अमन अपने दोस्त की शादी में गया था, अच्छे रिलेशन थे पिताजी के भी, उसके बीजेपी के नेता थे उसके पिताजी भी, और वो जिनके यहाँ शादी थी वो भी थे, तो रिलेशन घर के अच्छे थे। तो अपनी बहन के साथ वो शादी में गया था, पिताजी जा नहीं पाए पैर की चोट के कारण। तो वहाँ पे हादसा होता है, बच्चों में झगड़ा होता है आपस में, जबकि वो झगड़े में शामिल भी नहीं था। जिनसे झगड़ा हुआ था वो बच्चे अपने घर वापस चले गए, जाके सो गए, उसको इसका कोई भ्यास नहीं था कि घटना क्या होने वाली है। वो अपने घर आया, सिस्टर को छोड़ा है, वो वापस उस पर लॉन्च पर जा रहा है, तो उसको पकड़ लिया है रास्ते में और उसको दो गोली मारी है, एक सीने पे एक पेट पे। तो वो ऑन द स्पॉट वहीं 10-15 मिनट बाद गांव से कोई बंदा आया, उसने देखा है, घर बताया है, और घर बता के बाद में जब उसको पहले लोकल मेडिकल पर ले गए हैं, उसके बाद में कैलाश अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाबू शर्मा है। जो घटना बहुत जो दुखद है, इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, और जिस बच्चे की मौत हुई है वो 6 बहनों में अकेला है, पूरे 8 बहनों में, और पूरे जट्टारी पूरे खैर विधानसभा में शोक की जो लहर है, और हम सब एक जो जुट पीड़ित जो पक्ष है उसके जो साथ हैं। इसमें कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे जो भी हो, उसको हम लोग बच सके नहीं, और हर हाल में जेल भेज के उसको जो भी सजा है उसको कराएंगे, और पीड़ित के संग पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है।